दिल्ली के कथित शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। जेल भेजे जाने से पहले उनसे सुनीता केजरीवाल ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सुनीता केजरीवाल ने एक सवाल पूछा है। उन्होंने कहा है कि जब कोर्ट ने उनको दोषी नहीं माना है तो सीएम को जेल में क्यों डाला गया। वही केजरीवाल के जेल भेजे जाने पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी तो तिहाड़ तक ना जाती यात्रा तुम्हारी। साथ ही कहा है कि अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। वहीं नई दिल्ली संसदीय सीट से बीजेपी की प्रत्याशी बांसुरी स्वराज ने आप पर तंज कसते हुए कहा कि बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं की बेल क्यों खारिज हो रही है, तो आप आम आदमी पार्टी किस बिना पर जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है। मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जैसे में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब दे रही है। आज दिल्ली की गलियों में सबके मन में एक लाइन चल रही है कि ईमानदारी की होती जो आदत तुम्हारी तो तिहाड़ तक न जाती ये यात्रा तुम्हारी। आज अरविंद केजरीवाल जी को 15 दिन का जुडिशियल कस्टडी देकर के तिहाड़ जेल भेज दिया गया है, जहां पर वो पहले से जेल में बंद अपने 3 साथियों के साथ 15 दिन तक रहेंगे, उनसे पूछताछ होगी। कि शराब घोटाले में कोर्ट ने उनके नेताओं को बार बार जमानत देने से जब मना कर दिया है तो फिर वो किस बिना पर जनता जनार्दन को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं।